हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन अड्डा। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, जो कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद भारत के राष्ट्रपति से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो 11 जनवरी को ये विधेयक कानून का रूप ले चुका है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नागरिकता संशोधन विधेयक जो कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही इसने कानून का रूप ले लिया। इस कानून से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया है। और यह कानून 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 धर्मों के अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासियों को भारत नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबद्ध करता है। अवैध प्रवासी वह है जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया हो, जो अपने निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक भारत में रहता हो। इस लाभ को देने के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत भी छूट देनी होगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिए बाध्य करता है, और 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों को 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के आने जाने को नियंत्रित करता है। इस विधेयक और इस कानून में अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा। इन देशों के 6 धर्मों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया है। और ये 6 धर्म हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई और पारसी होंगे। जिस तारीख से आवेदन करना होगा, उससे पहले भारत में 12 महीने रहना पड़ेगा। कम से कम 6 साल भारत में बिताना जरूरी है। इस कानून के तहत संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य आदिवासी क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। ये प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे। इनमें असम के कार्बी आंग्लोगन जिला, बोडोलैंड, नॉर्थ चाहर हिल्स जिला, मेघालय का खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स जिले, मेघालय में सिर्फ शिलोंग्स को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कानून लागू नहीं होगा। त्रिपुरा में आदिवासी जिलों में यह कानून लागू नहीं होगा। और मिजोरम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी। यह कानून कैसे अपने आप को 2016 से अलग करता है? तो 2016 के विधेयक में 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। नए कानून में इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को छूट देने का बिंदु भी पिछले विधेयक में नहीं था। के संबंध में भी सभी कानूनी कार्रवाई बंद करने का प्रावधान भी नया है इस विधेयक में। इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि बीओ का कहना है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ है। यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है। और आलोचकों का कहना यह भी है कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह कानून अवैध प्रवासियों को मुस्लिम और गैर मुस्लिम में विभाजित करता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान के अलावा अन्य पड़ोसी देशों का जिक्र क्यों नहीं है इस विधेयक में? दिसंबर 2014 की तारीख का चुनाव करने के पीछे इसका उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।